Hello students, welcome to St. Paul's Digital Classes. Today I am going to recite a Hindi rhyme. Our Hindi rhyme is Hathi Raja. Students, take your book. Our book is Rhymes and Bargi. Rhymes and Bargi. Open it. Page number 22. स्टूडेंट्स, यदि आपने हाथी को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हाथी के दो बड़े बड़े कान होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? बड़े बड़े, और उसकी एक सूंड होती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हाथी बहुत बड़ा होता है और इसको खाने में गन्ने अच्छे लगते हैं। क्या अच्छे लगते हैं? गन्ने अच्छे लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू एक्शन प्रॉपरली विद मी एंड ऑल्सो रिसाइट विद मी। सो लेट स्टार्ट। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड लाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मीठे गन्ने खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चरण चरण, हाथी मामा गिर पड़े धर। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड लाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मीठे गन्ने खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चरण चरण, हाथी हाथी मामा गिर पड़े धड़। फ्रेंड्स, डू प्रैक्टिस, डू एक्शन प्रॉपरली विद मी एंड रिसाइट आल्सो, एंड आल्सो रिसाइट विद मी। सो हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मीठे गन्ने खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चरण चरण चरण, हाथी मामा गिर पड़े धड़। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चरण चरण चरण, हाथी मामा गिर पड़े धड़। अगेन, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मीठे गन्ने खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चरण चरण चरण, हाथी मामा गिर पड़े धड़। You have to learn this rhyme and do practice again and again. So, students, आपको ये rhyme याद करनी है और इसके action को भी proper तरीके से करना, और आपको इसका अभ्यास बार बार करना है, तब आपको याद होगी। So that's all, students. I will teach you some new in the next video. Till then, stay home, stay safe, thank you.